फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मित्रों, स्पेशल टेट के एग्जामिनेशंस को देखते हुए आप बच्चे लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हम संस्कृत भी कवर कराएंगे और सामाजिक विज्ञान भी कवर कराएंगे। आने वाले दिनों में आपको संस्कृत भी पूरा पढ़ाएंगे और सामाजिक विज्ञान भी पूरा पढ़ाएंगे और बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस का टेस्ट भी लेंगे और आपके सामने जो है विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त दीजिए, बाकी और चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो चुकी हैं, जो बची हैं वो हम करा देंगे। आइए, आज के पार्ट में हम सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं पार्ट वन में टॉप 100 क्वेश्चंस। इसी तरीके से लगभग 5 से 7 पार्ट लेकर आऊँगा आपके सामने 100-100 क्वेश्चंस का, और पूरा सामाजिक विज्ञान कवर करा देंगे आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्लासेस होंगी। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा आपके प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। मित्रों, मैं गारंटी देता हूँ पूरी संस्कृत कराऊँगा। संस्कृत के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, संस्कृत में पूरा कराऊँगा। आप थोड़ा सा केवल पेशेंस रखिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम पूरे दिन क्लास देंगे। आप कल के दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करिएगा, आपको नोटिफिकेशन ना भी जाए तो आप चैनल पे आके चेक करते रहिएगा। वीडियो आपको लगभग हर एक घंटे पे मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही स्थान होगा बी, द्वितीय। यानी भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय। यानी भारतीय रेलवे विश्व में कौन से स्थान पर आती है, द्वितीय स्थान पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोझीकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझीकोड बंदरगाह ये केरल में स्थित है। मित्रों, समय कम है, चीज़ें ज़्यादा रिवीजन करनी है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता। चारों ऑप्शंस भी आज नहीं पढ़ूंगा, केवल मैं क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए आगे बढ़ता चलता हूं। बाकी जैसे ही 1-2 पार्ट कवर कर लेता हूं, 5 पार्ट इसका इसी तरीके से बना है, जैसे ही 2 पार्ट कवर कर लेता हूं उसके बाद फिर आने वाले लास्ट के 2 पार्ट जो है बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर दूंगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, छोटा नागपुर में। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है, जो है आपको दिख रहा है अहोम को। निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद ये 2 जुड़वा नगर हैं, कई बार कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। असम के काजी रंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है, गैंडा, शेर, बाघ या भालू? तो इसका सही जवाब होगा गैंडा। किस जनगणना के बाद यह पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ये पता चला वर्ष 1951 की जनगणना के बाद। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, लेह में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, केरल। कौन सा, केरल। गरीब रथ क्या है, गरीब रथ एक यात्री गाड़ी है, ट्रेन है जिसका नाम तो गरीब है लेकिन ट्रेन में फुल एसी रहती है, यानी थर्ड एसी की तरह फुल एसी पूरे गाड़ी में रहती है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और उनके जो पैर होते हैं वे गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वो वहाँ पर जो बालू है वहाँ पर भी अच्छे से चल लेते हैं। शक्ति का अपारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा, वह खनिज जो औषधीय शैलों की परतों के बीच मिलता है, लोहा है। विश्व में तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में पवन चक्कियों से विद्युत पैदा की जाती है, नीदरलैंड में। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है तो जल ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत जो है ये ज्वार। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है मित्रों, कैसे ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि कभी कभी होगा दूसरे ऑप्शंस होंगे तो आंसर बदल जाएगा। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत जो इसमें दिया हुआ है, पेट्रोलियम, कोयला, ज्वार, परमाणु खनिज, तो इसमें ज्वार ये अपारंपरिक स्रोत है, बाकी पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, कोयला ये सब पारंपरिक स्रोत है। संसार की सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। अभ्रक के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, भारत देश का प्रथम स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है चीन। मत्स्य उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, जापान का। संसार के कुल भूमि क्षेत्र को कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, 10%। अगर संसार की बात कर रहा है तब 10%,
अगर आप पर्यावरण पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, मैंने पर्यावरण की पहले क्लास में बहुत विधिवत तरीके से बताया हुआ है कि बताइए भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित है, यानी वन स्थित हैं, आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोयले के किस प्रकार में कार्बन की मात्रा 95% तक पाई जाती है, बिटुमिनस में। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो भारत में स्वर्ण कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, झारखंड। निम्नलिखित में से किस आण्विक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, थोरियम। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है कहाँ पर, मिलता है मकराना से। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है संसाधन प्रबंधन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, व्यापार। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है, अगर सबसे कम श्रमिकों वाला देखा जाए तो इस्पात उद्योग। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC CGL में CHSL में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है, भिलाई में। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जामुल जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, या प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक के लिए। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, चावल। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ, गेहूँ नकदी फसल में नहीं आता, बाकी गन्ना कपास जूट ये सभी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, तंबाकू नकदी फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, देखिए सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पूछ रहा है पश्चिम बंगाल है। रेशियो में देखा जाता है तो पश्चिम बंगाल होता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न कंफ्यूज कर देता है, आप पंजाब और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पूछ रहा है इसलिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, धान। धान जो है भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में उगाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है, इन सभी में, यानी खाद्यान्न में, दुग्ध में, गन्ना व चीनी में। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया, तो किसका अंश कम हुआ है, गेहूं व चावल का। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, पंजाब को। अभी देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था ना, अगर बड़ा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, लेकिन आपको पूछ रहा है कि भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, पंजाब, क्योंकि यहाँ का जो रेशियो है वो विद कंपेयर अदर स्टेट से बात करें या पश्चिम बंगाल से बात करें अच्छा है इसलिए। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किस लिए आई थी, हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं, ये बात सच है। हरित क्रांति किसके लिए आई थी आपको कमेंट करके बताना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य, अब गेहूं के बारे में कह रहा है तो सबसे पहले स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, फिर पंजाब का, उसके बाद हरियाणा का। इसके बाद है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। केसर का उत्पादन होता है जम्मू एवं कश्मीर में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज पर। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है रणजीत सागर। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण अखरोट के रूप में करते थे, यहाँ अखरोट शब्द का अर्थ है शिकारी। सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं उत्तर पश्चिम में। बिंध के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया तो चावल उपजाया गया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले लगभग 4700 वर्ष पूर्व। किस पेड़ की छाल से
पांडुलिपियों का निर्माण किया जाता है भोज के। कृषि का आरंभ हुआ था लगभग 8000 वर्ष पूर्व में। जब आपने इतिहास पढ़ा होगा मित्रों, इतिहास में पढ़ाया गया है ना कि जो भारत में, भारत की बात करें या कृषि के बारे में ही जहां बात आती है, इतिहास जो है पाषाण काल से स्टार्ट होता है। पाषाण काल को जो डिवाइड किया गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर मध्य पाषाण काल, या उत्तर में जो है, या फिर आज के समय में अगर हम बात करें, वर्तमान के बारे में बात करें या आधुनिक की बात आ जाती है, तो पूर्व, उसके बाद पूर्व लगभग 4000 वर्ष पूर्व से माना जाता है, मध्यम जो था वो 8000 वर्ष पूर्व। तो 8000 वर्ष पूर्व में ही लगभग यानी मध्य पाषाण काल में जो है खेती का जो है आरंभ हो गया था, यानी कृषि आरंभ हो गई थी, जिसमें जो पहला मिलता है कि कौन सा अनाज उगाया गया था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया था, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, मक्का चावल गेहूँ, इसी तीनों में बताइए। आपको पता ही होगा कि इसका क्या होगा। और एक ऑप्शन डी लिख लीजिए, जौ, क्या होगा जो कि सही जवाब हो जाएगा, जौ ही। देखिए जो प्रारंभ किया गया था वो जौ का, लेकिन जो यूज किया गया था खाद्यान्न वो गेहूं का था, इसीलिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आप पूछेगा तो जौ। आगे बात करते हैं, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब आपने देखा है, वेदों की रचना किसने किया ये सब आपको पता है। ऋग्वेद से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए ऋग्वेद में कितनी मात्राएं हैं और कितने मंत्र हैं, कितने दोहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किस शासक के आदेश पर लिखा गया था, अशोक के। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास को क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, तो भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, इनाम गांव में। कौन से गांव में, इनाम गांव में। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब, तो भारत यूरोप। क्यों? क्योंकि जो कहा जाता है कि भारत की खोज जो है ईरानी और यूरोपीय के द्वारा किए गए, इसलिए। ऐतिहासिक स्थल क्या है, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, यही जो है। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, अगर हम देखें AD 2012, AP 2012, BC 2012, EC 2012, तो ये क्या है, बीत चुका है, तो जो चीज़ें बीत जाती हैं उसके लिए AD का यूज किया जाता है, AD 2012। इसके बाद आगे बात करते हैं, और वैसे ही भी ये ईयर है, सेंचुरी ईयर में चल रहा है इसीलिए, और लीप ईयर भी है ऊपर से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है, गुरु के पास जाकर समीप बैठना, उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है, भीमबेटका। शकुंतलम लिखी गई थी या लिखी थी, किसने लिखी थी, कालिदास ने। महाभारत के लेखक कौन है, वेदव्यास जी। इंडिका का लेखक था मेघस्थनीज। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता हैं, पद्मावत। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है, यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में है। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। अथर्वेद में जादू टोना मिलता है, और उसके बाद ऋग्वेद में आप जानते हैं ये जो आप सबसे पहले स्नान करने के बाद जिसको मंत्र देते हैं, यानी हमारा जो सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र जिसको कहा जाता है, गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। सामवेद जो है गद्य और पद्य में देखा जाए तो दोनों में है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो लयात्मा मिलती है यानी वो गीत के मिलते हैं। इतिहास कब प्रारंभ हुआ था, जब लिखित स्तोत्र उपलब्ध होने लगे, यानी इतिहास का मतलब ही होता है इति धनहास, इट मीन्स ऐसा ही, हास मीन्स हुआ था, यानी ऐसा ही हुआ था। अब लिखने का मतलब क्या है, इंसान जब समझदार हुआ होगा, लिखना पढ़ना शुरू किया होगा, तभी तो लिखा होगा, तभी तो हो। क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पहले इंसान नहीं रहा होगा, रहा होगा, कुछ ना कुछ दूसरे
तरह के प्राणी रहे होंगे लेकिन उनको लिखने का शऊर नहीं रहा होगा, नहीं लिखा होगा। तो जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से लिखना प्रारंभ किया, तो इसीलिए जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तभी से हम इतिहास का प्रारंभिक युग मान सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक है वो है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुर कोटदा में। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921 में। किसने किया आप कमेंट करके बताइए। अब बहुत पूछा जाता है हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज, ये दोनों पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, दोनों का आपको कमेंट करके बताना है 1921 में। चलिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया? देखिए आखिर ये क्वेश्चन आ ही गया, जिन्होंने कमेंट किया होगा बड़ी अच्छी बात, नहीं किया तो आप देख ही लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। और जो है आपसे अगर पूछा जाए कि जो है अगर आपसे कहा जाए दूसरा प्रश्न जो हमने पूछा था कि उसकी खोज किसने किया था, तो आपको कमेंट करके बताना है, यानी मोहन जोदड़ो की खोज किसने किया है आपको बताना है। आप बता ही दिए होंगे, नहीं बताया तो आपको बता देते हैं, राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता काश्य युग की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, कृषि, यानी ये सभी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनानंद का। इसके बाद है, काला शोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। देखिए मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। किसी प्रकार की असुविधा है, परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। समय कम है मित्रों, इसीलिए क्वेश्चन पर थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहे हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको रिवीजन हो, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा मिले और आपका रिवीजन हो जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम ऐसे ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के पार्ट। आप बस अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बेस्ट लक।